हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीटेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आज जो हमारे रेखा जो जो हर एग्जाम में बनता है कि किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी कौन एंगल बनते हैं, उसमें हम आज टॉपिक क्लियर करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो एक बार स्वागत है आपका फिर से। तो इस चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जो हमारा रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है। ये देखो, एक लाइन जो दो बिंदुओं को मिलाती है, जैसे मान के चलते एक बिंदु यहाँ पर बना हुआ है, एक बिंदु यहाँ पर बना हुआ है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वही हमारी क्या कहलाती है, रेखाखंड यानी सेगमेंट कहलाती है। याद रखें सेगमेंट, ठीक है। तो यही होता है सेगमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन बनता है कि दो बिंदुओं मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं या फिर एक लाइन कहते हैं सीधी। तो ये क्या होता है, रेखाखंड होता है ये, यानी खंड होता है ये, एक सिर्फ इतना इतना क्या होता है, एक खंड कहलाता है, दो रखे बीच में। चलिए और याद रखें, इसकी जो लंबाई होती है निश्चित निश्चित होती है, इसको सिर्फ नापा इसको नापा जा सकता है, ठीक है, तभी निश्चित होती है। और ऐसी जो अनिश्चित होती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो आगे बढ़ेंगे क्या होती है, ये तो हमारी रेखाखंड है। चलिए तो अगला है रेखा लाइन। जैसे हमने बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो उसे कहते हैं रेखाखंड, लेकिन यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है, ना इधर ए लिखा है ना ही इधर बी लिखा है, कोई बिंदु नहीं है ना। तो यहाँ पर ये सीधी सिंपल रेखा जो होती है हमारी, एक क्या कहलाती है, ये एक रेखा खंड के दोनों हिस्सों को अनंत तक बढ़ाती रहती है, यानी कि इस पर ना कोई बिंदु है ना यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, इसको नापा भी नहीं जा सकता। एक सरल रेखा कहीं भी कैसी भी खींच सकते हैं, ये भी हम यदि ऐसी खींचे तो भी हमारी सरल रेखा हो जाएगी, इस तरह से खींचे तो भी हमारी सरल रेखा हो जाएगी, ऐसे खींचे तो भी सरल रेखा हो जाएगी, और ऐसे खींचे तो भी सरल रेखा हो जाएगी, किसी तरह से आप खींच सकते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल रेखा हो जाएगी, सरल लाइन, ठीक है। याद रखें तो ये होती है रेखा। तो इसको क्या है, कब कितनी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती है, ये सरल रेखा प्राप्त होती है इससे, ठीक है, आप समझ आज समझ रहे होंगे। चलिए तो अगला है संरेख। संरेख बिंदु यानी कोलाइनर कोलाइनियर पॉइंट, यो जिसमें देखिए यहाँ पर क्या बनता है कि ए जहाँ पर ए बिंदु बी बिंदु यानी कि तीन तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा द्वारा काटे जाएं, वो हमारी कौन सी रेखा होती है, संरेख बिंदु या संरेख रेखा होता है। याद रखें इस तरह से, देखिए यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इस तरह से होती है लाइन जो, और ये संरेख बिंदु तीन या उससे अधिक, लेकिन तीन होना चाहिए, कम से कम तीन होना चाहिए, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं एक लाइन पर, कितने भी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कितने भी हो सकते हैं, अनंत तक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन पर ये बिंदु होते हैं। तो याद रखें ये कौन सी लाइन होती है, ये हमारी संरेख कॉलिनियर कॉलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक है। यस चलिए अगला है समांगी रेखाएं। समांगी रेखाएं क्या होती हैं, समांगी रेखाएं आप देख सकते हैं कि इस तरह से होती हैं कि जो एक ही बिंदु यानी कि तीन या तीन से अधिक लाइन जो हमारी होती हैं, तीन या तीन से अधिक लाइन, लेकिन सिर्फ दो लाइन नहीं होनी चाहिए, जब तीन या तीन से अधिक लाइन एक ही बिंदु पर एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं तो हमारी क्या कहलाती है, समांगी रेखाएं कहलाती हैं। याद रखें इसी तरह देखिए यहाँ पर जैसे कि ए ए यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी सी और डी ये देखिए काट रही है एक दूसरे के, और पी और क्यू एक दूसरे को काट रही है ना, यानी कि तीन से देखिए यदि हमारे यहाँ पर दो ही लाइन होती, यही लाइन होती, ये लाइन और ये लाइन होती, तो फिर हमारी ये समांगी रेखा नहीं होती, लेकिन तीन तीन से अधिक हो, तीन या तीन से अधिक हो तो हमारी क्या कहलाती है, समांगी रेखा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक या दो, समझ गए होंगे। चलिए अगला अगला है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं या प्रतिच्छेदित बिंदु क्या होती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं। देखिए जैसे हमने बताया कि अभी यहाँ पर सिर्फ दो लाइनें काट रही हैं, ये होती है प्रतिच्छेद, यानी कि दो लाइन आपस में जब एक दूसरे को काटती हैं तो वही होती है प्रतिच्छेद रेखाएं। याद रखें जब एक दूसरे को काट रही हैं तो, और यदि एक लाइन उसमें और आ जाए तो क्या कहलाती है, वो समांगी रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही लाइन है, तो यहाँ पर दो लाइन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से। चलिए तो अगला लाइन है, यहाँ पर देखिए पढ़ भी सकते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और एक बिंदु पर हो, ठीक है, तैयार रखें को प्रच्छेद रेखाएं और उभयनिष्ठ बिंदु हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पर ये देख सकते हैं ओ है ना, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, सभी लाइनों को काट रहा है, सभी लाइनों को मिलाने वाला है, वहीं से लाइन बनती है, तो ऑप्शन नंबर। चलिए अगला है समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, देखिए आज यहाँ पर एक रेखा ये गई है, अब रेखाखंड हो या फिर रेखा हो कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है,
यहाँ पर देखो ए और बी, यहाँ पर पी और क्यू दो रेखाएं दी हैं जो आपस में कितने भी दूर आप और बढ़ाते चले जाओ, उस पर इसको कितनी भी दूर बढ़ाते चले जाओ, यदि बढ़ने यदि रेखा है तो बढ़ती चली जाएगी, और यदि रेखा खंड है तो नहीं बढ़ेगी। तो कितनी भी दूर तक तो बढ़ाते चले, इनमें डिस्टेंस जो है बिल्कुल समान रहेगी, समानांतर, यानी कि जहां से देखो वहीं पर इनका बिल्कुल अंतर समान रहेगा। तो यही होती है समानांतर रेखाएं। तो अगला भाग है, देखिए यहाँ पर दो रेखाएं जो बीच है उनके सदैव समान दूरी रहती है, समांतर रेखा कहलाती है। ये अनंत तक नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती है, ठीक है। ये कभी ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ से ऐसी जा रही हो तो आगे चल के ऐसी मिल जाए, ऐसी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सीधी लाइन में ही चलेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो अगला है कि एंगल, एंगल क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं। कोई दो रेखाएं किरण एक बिंदु से किसी दिशा में बनाई जाए, बनाई गई रेखा को कहते हैं कोण, ठीक है। तो इसका उपनिषद इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पर कोई आपको समझा दे कि देखिए एक लाइन, एक बिंदु ये है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से एक लाइन खींची गई और आप कहीं भी चाहे इधर ले चाहे इधर ले जाओ, ठीक है। एक तो कोण हमारा ये बन गया, इस तरह ये भी हमारा कोण है, ठीक है। और कोण तो सभी जानते होंगे, इस तरह सा भी कोण होता है, और लाइन ऐसी हो जाए वो भी कोण होता है हमारा, चाहे ऐसी हो जाए कोई भी लाइन होता है, तो ऐसा हो जाए तो भी हमारा कोण होता है। तो याद रखिए कोण कोण होते हैं दो बिंदुओं से, दो लाइनों से मिलकर बने होते हैं, दो रेखाओं से मिलकर कोण बने होते हैं। तो अब है इनकी कुछ प्रकार, इनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। प्रकार क्या है कि कुल कुल प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला है न्यून कोण, नहीं एक्टर्स कोण एंगल। तो ये देखिए ये न्यून कोण क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का आप बताते हैं, ये होता है 90 डिग्री का, इससे यदि कम है, इससे यदि कम है, इससे इतना हो जाए चाहे फिर इतना हो जाए चाहे फिर इतना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे 90 डिग्री से कम है तो हमारे क्या होते हैं, ये न्यून कोण होते हैं, ठीक है। थीके? ये 90 डिग्री का होता है। यदि 30 है, 60 है, 45 है, 80 तक है, 89 तक भी हमारा एंगल जो है वो भी हमारे न्यून कोण में ही आएगा, याद रखें। चलिए तो अगला कोण है, देखिए अगला कौन है, समकोण। जैसे कि हमने बताया बिल्कुल सीधा जो होता है 90 डिग्री का ही होता है, ये हमारा समकोण होता है, याद रखें इसको, इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखें। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 90 कोण को ही वो कहते हैं। तो अगला है हमारा अधिकोण, यानी ऑब्ट्यूस ऑब्टस एंगल। तो अधिकोण क्या होता है, जो 180, देखिए 180 से कम होता है और 90 से अधिक होता है, 90 रहेगा तो यह हमारा समकोण कहलाएगा, और यदि यानी ये ऐसा होगा तो 100 यानी कि 130 के आसपास है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अधिक कोण है, यानी कि 90 से अधिक है, और 180 ये हमारा होता है कौन सा, ये होता है हमारा 180। यदि 180 से कम है, 180 से कम और 90 से ज्यादा, यानी 90 और 80 के बीच में होना चाहिए, तो वही हमारे कोण कहलाते हैं अधिक कोण, याद रखें। इसी तरह से कोण बनाए जाते हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 90 से अधिक और 180 से कम होते हैं, वही कोण अधिक कोण कहलाता है। चलिए अगला है समकोण को देख लेते हैं। समकोण क्या हमारा है, लाइनियर लेंथ एंगल। तो ये क्या होता है, सरल कोण, सरल कोण, समकोण नहीं है, सॉरी सरल कोण है, सरल कोण को ही बोलते हैं, सरल रेखा, जो हमने बताया था अभी 180 डिग्री का होता है, एक रेखा होती है वो हमारी 180 डिग्री की ही होती है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह से आपको समझ में, लेकिन हमने क्या बताया अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है 180 से कम, यानी थोड़ा ऊपर होगा, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, या 100 मतलब ऐसा होगा थोड़ा हल्का सा होगा, इनके बीच जो होता है हमारा वो क्या कहलाता है, और 90 के बीच, इनके बीच जितने भी कोण बनते हैं हमारे अधिक कोण बनते हैं, याद रखें। इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह यदि हमारा 90, यदि आपको बता दें कि जो यदि हमारा सरल रेखा है, सरल रेखा से 90 का होता है, इसके जो बीच बने हैं बनेंगे, यानी कि ये हमारे कितने क्या को लाएंगे, सब ये न्यून कोण कहलाएंगे, न्यून कोण, ठीक है। चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं, कोटिपूरक कोण क्या होती है, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण। देखिए हमने बताया ये होता है 90 डिग्री का, अब मान के चलते हैं सवाल आया ये है, तो ए है, ये बी है,
ये सी है और ये डी है। अब आपको दे दिया है कि सी सी बी और डी का, ये सी बी और डी ये कितने का है, ये 30 का है। तो हमारा बाकी बचा क्या है, बचा कितना होगा, 90 पूर्ण, पूरे 90 डिग्री कोण करने के लिए कितना बचा, 60 बचा। तो यही तो होता है हमारा कोटि पूरक। और होता क्या है, बस इतना ही करना है हमें, क्या करना है, यदि कोटि पूरक पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए कि यदि कि 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है, यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या करना है, 90 करना है। कितना करना है, 90 करना है। 90 कब होंगे, जब हमें 60 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कोटि पूरक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कोई भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया है 45 का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, कितना होगा, 45 होगा तभी तो 90 होंगे। 35 का कितना होगा, 35 का कितना होगा, अब बताइए कितना होगा 35 का, 35 का होगा 55, तभी तो कोटि पूरक होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कुल मिलाकर हमें 90 करना है। तो ये होते हैं कोटि पूरक कोण, यानी कि 90 से कम होते हैं। चलिए तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब है संपूरक कोण। संपूरक कोण कहता है कि ये भाई, जब हमने बताया अभी कि सिर्फ 90 को दो कोण, ऐसे कोण जो दोनों को मिलाकर दो कोण जो 90 हो रहे हैं, हमारा टोटल 90 कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर दो कोण मिलकर हमें कितना करेंगे, 180 हमें करना है। जैसे कि मान के चलते यहाँ पर 180 डिग्री का कोण दिया है, देखिए जहाँ पर 180 का डिग्री का कोण दिया है, नहीं 130 का दिया है, 130 का पूछे कि 130 का संपूरक कोण क्या होगा, तो इसमें 180 करने के लिए हम 50 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमारा संपूरक कोण कितना हो जाएगा, ए और जो 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये होता है हमारा संपूरक कोण। ये तो डिफरेंस संपूरक कोण कितना है कि दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, और जो हमारा पूरक कोण होता है उसमें कितना होना चाहिए, उसमें होना चाहिए 90 डिग्री, याद रखें। चलिए एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। अब आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण की बात कर लें तो एक ही बिंदु से कई कोण बनते हैं, कई कोण बनते हैं एक ही बिंदु से, जो एक पॉइंट जो वैनिश होता है यहीं से जो कोण बने हैं, हमारे सारी रेखाएं गई हैं, तो वो हो रहा है आसन्न कोण। समझ में आ रहा हो रहे हैं, तो ये जैसे जैसे कि आपने कोई चतुर्भुज देखा है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज देखा, ये मान के चलो त्रिभुज देखा है, तो ये क्या है, इसका आसन्न कोण है, ये दोनों रेखाएं जो आपस में मिल रही हैं ये है आसन्न कोण, याद रखें। इसका आसन्न कोण इन दोनों रेखाओं से है, देखिए यहाँ पर इसका आसन्न कोण क्या है, इसका आसन्न कोण ये है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। देखिए इस तरह से इसका आसन्न कोण ये रहा, और इसका आसन्न कोण ये रहा, और इसका आसन्न कोण ये रहा, ठीक है। चलिए तो आपको ये समझ, जो जो बिंदु हमारा कॉमन रहता है वही दो रेखाओं के बीच, वही हमारा क्या होता है, आसन्न कोण होता है। तो देखिए अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटते हैं तो शीर्षाभिमुख कहलाता है, तो ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। तो यही तो उसकी माप क्या हो बराबर होती है। जैसे कि आपको बता दें ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जो ये काट रहे हैं, देखिए इनके आमने सामने कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इनके और इनके आमने सामने कोण ये बराबर होंगे, समझ में आ रहे। और देखिए इस तरह से भी हो सकते हैं, यदि ये मान के चलते हैं आप कोई चतुर्भुज बनाएं, ये भी हमारे यही चतुर्भुज बनाए, तो ये आमने सामने कोण बराबर होंगे, ये तो वैसे हमारे सब सभी बराबर होंगे क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख जब कोण, देखिए यहाँ पर जब बात कर रहा है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख क्या बनते हैं, अलग बनते हैं। जैसे हमने बताया अभी, जैसे कि इस तरह से काटे तो ये वाला कोण हमारा, मान के चलते हैं ये वाला कोण हमारा 120 का है, तो ये भी हमारा 120 का ही होगा, और ये हमारा कितने का है, ये हम मान के चलते ये हमारा कितने का है, ये हमारा 130 का है, तो ये भी हमारा 130 का होगा, यानी कि आमने सामने के कोण जी हमारे बराबर होंगे, इसी तरह से कोण होते हैं हमारे, याद रखें। चलिए तो इसी तरह के कोण निकाले जाते हैं कि तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ रहे होंगे अब इस तरह से, तो इनको थोड़ा समझिए ध्यान से, क्योंकि ये तीन जब इस तरह कोण, कोई भी कोण हो, कोई भी त्रिभुज बना हो, कोई भी त्रिभुज चाहे जैसा हो ऐसा बना हो, चाहे ऐसा ऐसा बना हो, चाहे कैसा ही बना हो, तो इनके अंदर का जो कोण होते हैं 180 कोणों का योग जो होता है 180 होता है, 180 हर किसी का 180 होगा, ठीक है। चलिए और रेखीय युग्म क्या होते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो रेखीय युग्म क्या होते हैं कि एक रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बने कोणों का योग कितना, 180 हो, ठीक है। तो एक रेखा के किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर एक तरफ बने कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेखीय युग्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला है, एक बिंदु पर बने कोण, एक बिंदु पर बने कोण। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि ये एक बिंदु है, इस पर जो बना कोण होता है वो कितना होता है? देखिए यहाँ से मान के चलते हैं, ये रेखा है, हमने एक कोण बनाया, इधर ही बनाया, तो ये कहाँ से घूमेगा? एक पूरा इधर घूमेगा, आके यही मिल जाएगा। यानी कि ये सर्कल पूरा होता है कितने का होता है? 360 का होता है। ये तो हमारा जो सर्कल एक तरह का कोण ही है हमारा, तो 360 का होता है, याद रखिएगा। एक बिंदु पर बना हुआ है, जो कि एक बिंदु पर बना है इस तरह से, ऐसे ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारा, जब आप प्रकार से अपन लेते हैं ना इस तरह से, जब प्रकार से लेते हैं, इधर से घुमाएंगे ऐसे ऐसे चलेंगे ऐसे ऐसे, जैसे कि ये बना, इधर से हम ऐसे घूमेंगे ऐसे घूमेंगे ऐसे घूमेंगे, ये हमारा 360 का बन गया। कितना बन गया? 360 का, याद रखें। इस तरह से बनते हैं। बाईकोण क्या होता है? बाईकोण क्यों समझ लें जल्दी से? बाईकोण हमारा जैसे कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है वो हमारा बाईकोण कहलाता है। समझ रहे होंगे अच्छे आप अच्छी तरह से, जो बाईकोण होता है हमारा, ये किसी भी फिगर के बाहर बना हुआ होता है, वो हमारा कितना होता है? बाईकोण कहलाता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी तरह प्रकार का हो सकता है, याद रखें, ठीक है। चलिए अगला है, बहुभुज क्या होता है? बहुभुज, बहुभुज से समझ रहे हो कि बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत भुज, भुज मीन्स भुजा होता है, बहु मीन्स बहुत सी भुजाओं से, यानी कुछ रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, किसी प्रकार का बन सकता है। जैसे हम आपको बता दें कैसे बन सकता है, देखिए ये भी हमारा एक क्या है, ये भी एक बहुभुज है, तीन भुजाएं हैं, इसको भी बहुभुज कहेंगे। और इसी ये भी एक बहुभुज है, और ऐसा भी, 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 कैसा भी हो सकता है। इसमें कौन बनना है? देखिए ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, तो ये बनना है, ये सारे हमारे क्या हैं? बहुभुज हैं। तो ये हमारे कौन बनना है? बहुभुज के। तो ये पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज, यही होता है बहुभुज, याद रखें। अब समभुज क्या होता है? समभुज क्या होता है कि ऐसी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो वो हमारा समभुज कहलाता है। जैसे कि ये देखो समभुज ये बना है, ये देखिए, अब इनकी क्या है, मान के चलते हैं इनकी भुजाएं सभी बराबर हैं, तो ये हमारी क्या है? समपंचभुज, यानी समान भुजाएं जो हुआ है, सम बहुभुज, या समान सारी भुजाएं समान हो, समान आकृति की हो, समान लंबाई की हो, तो वही हमारा क्या होता है? समान बहुभुज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह के सवाल ये कैसे किए जाते हैं, तो आज के लिए इतना काफी है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो कल आप पेपर देने जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्प होगी, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।